नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले का अचार। बहुत ही झटपट बनता है अचार, तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमारा आंवला इस तरीके से 2 घंटे में सूख गया है और इतना ही हमको सुखाना है। ये आपके यहाँ धूप के ऊपर डिपेंड करता है कि धूप आपके यहाँ कैसी आ रही है, उसी हिसाब से आप सुखा सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे। ये धूप पर डिपेंड है कि आपका आंवला देखने में ऐसा होना चाहिए। बस सिर्फ पानी ही इसका सुखाना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो मेरा आंवला देखिए कंप्लीट हो गया ये सूख के। ऐसे देखिए बनाने की सामग्री है, मैंने 1.5 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है, सौंफ लिया है, 3 चम्मच मैंने सरसों लिया है। सरसों मैंने पीला वाला यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्लैक वाला भी कर सकते हैं। अजवाइन मैंने 1 चम्मच लिया है। तो हम इन सारे चीज़ों को फ्राई पैन में डाल के रोस्ट करेंगे। सिर्फ इतना ही रोस्ट करना है जिसकी इसकी नमी निकल जाए। धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, मेरे पास साबुत धनिया नहीं है तो मैं इसी के साथ रोस्ट कर लेती। बाकी रोस्ट करके मेरा पिसा हुआ धनिया है, तो 3 चम्मच हम धनिया पिसी हुई लेंगे। 2 चम्मच हम लाल मिर्ची लेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो आपको अचार के साथ ही सुखाना पड़ेगा थोड़ा सा। और हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 स्पून। तो चलिए हम मसालों को रोस्ट करके और मिक्सी जार में पीसेंगे सबको इकट्ठा। देखिए मैंने रोस्ट करके सारा मसाला मैंने ऐसे पीस लिया, दरदरा ही पीसना है आपको। और आप इसमें अब लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर और नमक सिर्फ डालना है, तो हम वो मिलाते समय ही डाल देंगे। तो चलिए हम एक बाउल में उसको अचार को करते हैं। अभी पानी नहीं है इसके अंदर और हम ये सारा इसमें डाल देंगे। दिया है ये हल्दी पाउडर, तो सारे को मिला देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची लिया है मैंने, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी जो हमने ये मसाला पीस के लिया था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए हमारा इतना मसाला काफ़ी है इसके लिए। और हमने अब लिया है तेल को, मैंने फुल गरम कर लिया था और गरम करने के बाद ठंडा कर लिया है इसको, और उसके बाद हम डालेंगे तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। अब हम धीरे धीरे ये तेल इसमें डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही हम तेल इसके अंदर छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता अचार में। हमने मिक्स कर लिया है और हमारा देखिए अचार का कलर भी कितना अच्छा आया है बनके। और ऐसे ही हम बर्नी में या कंच के बर्तन में रखेंगे, जो डब्बे टाइट हो उसी ढक्कन को टाइट लगा के रखना है इसको। और अगर बर्नी में भी आप रखते हैं तो आप कपड़ा लगा सकते हो उसके ऊपर, और एक आधी बार धूप दिखा दीजिए, लंबे टाइम तक रह जाएगा आंवला का अचार। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच विनेगर डाल लीजिए, पर अगर आपको तुरंत खाना तो विनेगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम तक रखना है तभी विनेगर डालिएगा आप। तो मैं आपको इसको बर्नी में दिखाती हूँ, इस तरीके की बर्नी आती है, मैं दिखाती हूँ आपको। बाज़ार में इजली मिल जाता है, आप इसमें भर के इसके ऊपर कपड़ा लगा के 2-3 दिन तक धूप में दिखा दीजिए, फिर घर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके अचार में। तो देखिए बहुत ही इजली घर में हमने कितने आराम से जल्दी झटपट बना लिया इसको, और आप भी घर में भी बना के खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है आंवले का अचार। तो बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। कितना झटपट बन के अचार तैयार हो गया, और खाइए और इन्जॉय कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।